क्यों आखिरकार बॉलीवुड की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस नहीं कर पा रही हैं? आखिरकार क्यों बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है वो आधे मुगरी जा रही है? आमिर खान परेशान है। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिरकार मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब ने क्या बातें बोली। स्वागत है चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आपको पता ही है कि आमिर खान साहब अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ही रियली वॉन्ट्स टू प्रमोट द फिल्म इन वेरी वेल मैनर एज वेल एज ही वॉन्ट्स टू वॉच दैट फिल्म कि वो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। प्लस साथ ही साथ ही रियली वॉन्ट्स कि उस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो आमिर खान ने अब एक लीडिंग डेली को इंटरव्यू देते हुए बात बोल डाली है कि भाई अगर बात की जाए तो मैं अपनी फिल्म को 6 महीने बाद इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ OTT में क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का बिजनेस बहुत हैम्पर हो रहा है। जी हाँ, आमिर खान कहते हैं कि मैं अपनी फिल्म यानी कि वो नेटफ्लिक्स को दे चुके हैं दोस्तों, 160 करोड़ में गई है फिल्म, ये बात भी मैंने आपको बताई है। तो ऐसे में आमिर खान ने बोल दिया कि क्या होता है कि आजकल फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और 2 महीने बाद जो है OTT पे आ जा रही है, तो उससे उसका चार्म खत्म हो जाता है। तो इसी के लिए मैं 6 महीने का एटलीस्ट गैप लेना चाहता हूँ। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि अगस्त में रिलीज़ हुई फिल्म 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर के आसपास रिलीज होगी ये OTT पे यानी कि नेटफ्लिक्स पे आएगी लाल सिंह चड्ढा। तो लाल सिंह चड्ढा ने साफ तौर पे दोस्तों अब बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाना शुरू करने से पहले आमिर खान ने ये स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएगी। वैसे आप बने रहिएगा, हाँ मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, डिटेल से डिटेल बात बताऊंगा लाल सिंह चड्ढा की। सो कीप ऑन वॉचिंग टेली खजाना। बाय बाय।